मतलब ये नहीं ना कि भुवन मेरा दुश्मन हो गया और भुवन ने सेटिंग करा ली, बन जाओ दुश्मन की भाई, ये उसने बोल दिया, वो उसका आदमी है वो। अरे ना मेरा घर कोई चलाने आ रहा है, ना भुवन भाई का, ना हैरी सर का, ना गुरुदास सर कोई कॉल करेगा, कॉल जाएगा कि भाई एक काम करो, ये हमारा आदमी है, इसको जीतने मत दो, हेट हमें मिलेगी, लोग उल्टा सीधा बोलेंगे सब। आई नो, मेरे को तो दो साल से, तीन साल से मिल रही है। यू व्हाट्सअप गाइस, तो आ गया हूँ मैं फिर से न्यू लेटेस्ट अपडेट लेकर। तो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है। वैसे मुझे नहीं लगता कि सिद्धांत जायसवाल कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर रहे हैं, उन्होंने बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है और मुझे लगता है कि उनकी बातें किसी हद तक सही ही है, जज की बातों को मानना चाहिए। और मैंने कुछ हाईलाइट्स ही आपको दिखाए हैं, बाकी सारी की सारी वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा कि इनके क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। बाकी लास्ट में जो सिद्धांत जायसवाल भाई ने एक बात कही है राहुल फिटनेस को लेकर, अगर आपको लगता है कि यार उस बात से एग्री है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। भुवन भाई, अभी मैं 2 से 3 मिनट लूंगा, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। देखो अभी अपने इंडिया में क्या होता है ना कि एक तो जजिंग पे आते हैं, जजिंग में क्या है कि जजेस ने कोई डिसीजन दिया, एक यहाँ पे ग्रुप बन जाता है, डिवाइड हो जाते हैं, एक जो जजेस के चीजों को एग्री करता है और एक डिसएग्री करता है, ठीक है। तो उसमें अभी क्या होता है कि वो बना लेते हैं कि भाई ये इसको अगर एग्री कर रहा है तो ये मेरा दुश्मन है, और वो डिसएग्री कर रहा है तो वो उसको बना लेता है वो मेरा दुश्मन है। Exactly. इसमें वो चीजें नहीं समझने जाते कि जजेस अभी है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अभी जैसे आप मुंबई शो खेले थे, मुंबई शो में था मेरे लिए एकदम वन साइडेड आप विनर थे, ठीक है, और मेरा आपसे बातचीत, मेरा सब कुछ जैसे उस समय था। उसके बाद फिर जब दिल्ली में शो हुआ, मुझे लग रहा था कि अली भाई को जीतना चाहिए, मेरे हिसाब से अली भाई विनर थे, ठीक है। अब उस टाइम पे मैं जजेस से डिसएग्री था, तो अब मैं इसका मतलब ये नहीं ना कि भुवन मेरा दुश्मन हो गया और भुवन ने सेटिंग करा ली, भुवन ऐसे जीत गया, भुवन ने अली को ये कर दिया, वो कर दिया। वो भाई मुझे पसंद था, मुझे लगा था कि अली को जीतना चाहिए, बट मुझे क्या लगता है वो मैटर नहीं करता। जजेस क्या बोल रहा है, जजेस क्या समझा रहा है, क्या वो कर रहा है, आपको उसको एक्सेप्ट करो। और एज ए एथलीट अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने आप में आप इम्प्रूवमेंट करो। अगर आपको जजेस ने फीडबैक दिया कि भाई आपको आपके पोजिंग पे, आपके इस बॉडी पार्ट पे आपको इधर वर्क करना है, उधर वर्क करना है, तो उस पर वर्क करो। अगर आप उससे नहीं सेटिस्फाई हो रहे हो तो आप ऐसा शो चूज करो जहाँ पे वो जजेस आए ना जजिंग के लिए, दूसरा जजेस आए जिससे आप सेटिस्फाई हो, जो आपके टाइप का फिजिक देख रहा है, ना कि आप सीधे बन जाओ दुश्मन की भाई, ये उसने बोल दिया, वो उसका आदमी है वो। अरे ना मेरा घर कोई चलाने आ रहा है, ना भुवन भाई का, ना हैरी सर का, ना गुरुदास सर का, किसी का कोई नहीं करने आ रहा है, ना आज हमें कोई किसी ने बोला है। बट अपना दिमाग लगाओ, सोचो कि यहाँ से क्या कॉल जाएगा। आपको क्या लगता है सर, यहाँ से कोई कॉल करेगा, कॉल जाएगा कि भाई एक काम करो, ये हमारा आदमी है, इसको जीतने मत दो। अब अगर प्रो इतने बन रहे हैं, 50 प्रो बन रहे हैं, 60 प्रो बन रहे हैं, अभी 2 साल के बाद 100 प्रो हो जाएंगे, तो 2 ही प्रो शो खेलेंगे तो वैसे भी शो कोई खेलेगा ही नहीं, और जो कमाई होता है प्रो क्वालिफायर से ही होता है ना, प्रो शो थे तो होता नहीं। तो प्रो जितने भी बाहर जाके खेलेंगे उतने ऑर्गेनाइजर के लिए अच्छा है ना। तो ये बोलना कि हमें वो करके दे रहा है इनको, ये जो बातें कर रहे हैं, द होल पर्पस ऑफ दिस इज फॉर मी, हेट हमें मिलेगी, लोग उल्टा सीधा बोलेंगे सब। आई नो, मेरे को तो दो साल से 3 साल से मिल रही है। यू गेट योर ओन थिंग, हैरी गेट्स हिज ओन थिंग, गुरदेश इज लाइक द लिटिल साइलेंट गाय, तो उसको थोड़ा सा supporting the Indian industry together, including the judges, the athletes, and everybody that is contributing to the industry.